तो यहाँ पे हम अब समझते हैं एसी और इसका संबंध क्या है। अगर ऐसे देखेंगे तो ये बोलेंगे कि ट्रांसफार्मर है, बिल्कुल ट्रांसफार्मर ये है, और इसको हम खोल करके भी दिखाएंगे आपको, और क्योंकि ये ज़रूरी है, और मोटर को भी समझना होगा कि मोटर कैसे वर्क करती है, वो भी समझना होगा। देखिए, क्योंकि अभी एसी का ही पार्ट है ये, डीसी का नहीं। डीसी का पार्ट अगर हम करेंगे तो एक ही बार में ये खत्म होगा, एसी और डीसी खत्म हो जाता, लेकिन नहीं, इसे पहले आप समझे रहेंगे ये वाला चीज जो पिछली वीडियो में था, तो फिर कभी आप फेल नहीं होंगे, ये गारंटी है मेरी। इस ट्रांसफार्मर को, ये लोखंड की कोर है, तो हम इसको अभी साइड करते हैं और सिर्फ समझते हैं यहाँ पे। इसी का मैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर इस तरह से बना देता हूँ। ये तार लपेटा हुआ है, ठीक है, ये तार मैंने लपेट दिया। आगे की वीडियो में हम इसे करेंगे, हाथ से लपेटेंगे और इसको बना करके समझेंगे, तब आसान हो जाएगा। तो ये तरीका है, तो हम इसको पहले ऐसे समझ लेते हैं। अगर ये सिंगल रहा तो इसमें हम करंट देंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम लोड लगा देंगे। लोड बोले तो कुछ भी, हमारा लोड हो, कोई भी लोड हो, कोई भी लोड हो, मान लेते हैं कि हमारा कोई मोटर हो, बल्ब हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लोड लगा दिया, तो जब हम इसमें जब करंट को हम पास करेंगे इसमें ना, ऐसे, ये क्वायल है, इंडक्टर इसे बोलते हैं, इंडक्टर जहां भी वायर लपेटा हुआ रहेगा उसे इंडक्टर ही समझना है आपको। यहाँ पे भी देख रहे हैं, यह भी इंडक्टर ही है, यहाँ पे देख रहे हैं, यह भी इंडक्टर ही है। ये आगे चल के आपको एक एक प्रैक्टिकल में मैं दिखाते जाऊंगा कि ये कब और कैसे, इसका जो स्वभाव है उसी स्वभाव से हमको फायदा लेना है, अपने सर्किट का उपयोग करना है, आगे इस्तेमाल करना है। जो ये इसका देखिए, सबसे पहले कैसा है ना कि अगर मान लो कि कोई आदमी है और उसकी हर एक आदमी की एक खूबी रहेगी, कुछ बुराई रहेगी, कुछ अच्छाई रहेगी, तो जो अच्छाई है या उसकी बुराई है, बुराई का भी इस्तेमाल हम अपनी अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते वो तरीका मालूम होना चाहिए। तो ऐसे ही इसका है, ये कैसे काम करता है देखिए। जब हम इसमें करंट छोड़ेंगे तो अगर इस पे लोड रहेगा तो पहले क्या करेगा कि इस पे लोड को रोक देगा, ये झटके से नहीं जाने देगा, ये रोक देगा, रोकने के बाद फिर इसमें जाने देगा। तो ये पहले रोक दिया और रोकने के बाद फिर जाने दिया। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे लोड और बढ़ा दिए तो ये उसका विरोध करता है, बोलेगा नहीं, लोड नहीं बढ़ना बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर बढ़ा दिए हैं तो कुछ देर बाद फिर बढ़ा करके देने लगता है, और एकाएक आप घटा देंगे तो फिर क्या करेगा, ये वापस ले लेगा उसको। अगर इधर से आना बंद हो जाएगा ना, तब भी ये अपने पास एक चार्ज रखता है, मतलब ये बैटरी का भी काम करता है। अब आप सोचेंगे कि बैटरी का काम करता है, तो बैटरी का काम कैसे करता है, दिखता थोड़े है, नहीं दिखेगा, इसलिए नहीं दिखेगा कि 1/ इतने हिस्से में चार्ज होगा, सेकंड सेकंड के लिए तो हमको दिखेगा क्या, ये हमारी आँख तो 1/24 ही तक देख पाती है, इससे ऊपर नहीं देख पाती है, वो इसमें भी कंफ्यूज हो जाती है। तो ये तो 1/10,000 हुआ, तो इसमें कहाँ देख देख ही नहीं पाएगी, लेकिन उतने समय के लिए चार्ज रखता है अपने पास। तो उसका हम उपयोग तभी कर सकते हैं देख करके, जब हम उसको देखने वाला अपने पास सिस्टम रखेंगे, और वो सिस्टम आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो तक, कोशिश रहेगी कि वो आ जाए। तो चलिए, ये तो हुआ इसका, लेकिन अब हम कॉयल पे आते हैं वापस, वो थोड़ा आगे है भी निकल जाएगा, क्योंकि एम्पेयर की बात अभी किया नहीं हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, यहीं पे आप समझिए। क्योंकि देखिए, मैं पेपर नुकसान नहीं करता हूँ, आपको समझ में आता है तो काम चल जाएगा, ये धीरे धीरे पूरा कवर हो जाएगा। और जहाँ पे मैं जब भी कर रहा हूँ वहीं पे आप फोकस करिए कि उसी चीज़ को आप देखिए। तो
अगर ये ट्रांसफार्मर को हम इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से हमने लगा दिया, ये हो गया हमारा प्राइमरी और ये हो गया कोर, कोर बोले तो लोखंड की पट्टी, और ये हुआ इसका सेकेंडरी वायर यहाँ पे, क्योंकि अब हम ट्रांसफार्मर में घुस रहे हैं, ट्रांसफार्मर में, ठीक है, ट्रांसफार्मर में हम चल रहे हैं, तो ये समझ लेंगे, यहीं से फिर मोटर में इंटर करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर डीसी पे पकड़ेंगे तो चलते रहेंगे, क्योंकि फिर इसके बाद बचेगा ही नहीं, फिर हम लोग को चलना ही है डायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इसमें सप्लाई प्लस देते हैं और इसमें माइनस देंगे, अभी डीसी की बात है, तो जैसे ही हम इसमें सप्लाई देंगे इसमें, तो जब हम इसमें प्लस सप्लाई देंगे इसमें माइनस देंगे, तो ये करंट इसमें फ्लो होगा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसमें बनेगी और स्टेबल रहेगी, स्टेबल रहेगी बोले तो, अब फिर वापस हमें यहाँ पे आना पड़ेगा इस तरह से। देखिए ये हुआ और ये मैं वायर लपेट रहा हूँ इस तरह से, ये देखिए लपेट दिया, इसमें हमने प्लस दिया, इसमें हमने माइनस दिया। चुंबक जो होते हैं, चुंबक के अंदर एक नॉर्थ पोल बनता है, एक साउथ पोल बनता है, ये आपको मालूम होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने ये लिया है, ठीक है, ये दोनों चिपक गए, यहाँ पे चिपक गए दोनों आपस में, लेकिन इसको हम अगर इस तरह से कर देते हैं तो ये चिपकेगा ही नहीं, बराबर, ये देख रहे हैं, ये ऊपर ऊपर घूम रहा है, नहीं जा रहा है, नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ये कितना भी कोशिश करेंगे रखेंगे ये भाग जाएगा, ऊपर आ रहा है, फेंक रहा है। तो क्योंकि इसका पोल और इसका पोल दोनों पोल समान है, एक समान रहेगा तो ये भागेगा, और जब इसको हम घुमा के लगाएंगे तो ये चिपक जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक साउथ होगा, एक नॉर्थ होगा। अब इसे चेक करने के लिए, अगर चेक करना है तो इसमें रस्सी बांध के, धागा बांध के ऐसे लटका देंगे, तो ये अपने आप धीरे धीरे ऐसे घूम करके साउथ नॉर्थ में, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ ऐसे खड़ा हो जाएगा। तो ये तो अलग चीज़ हो गया, इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप समझिए। अगर मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर प्लस दिया है और यहाँ पर माइनस हमने दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि यस बना और यहाँ पे बनेगा यन, लेकिन जब हम इसको पलट देंगे, इस वायर को पलटेंगे, इसे माइनस कर देंगे और इसे प्लस कर देंगे, तो यही चीज ये बदल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यन, यहाँ पे हो जाएगा यस, ठीक है, ये पहले वाले है, ये हो जाएगा। साथ में क्या होगा, अब इधर आ जाते हैं, हम एक कोर ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये लोखंड की हम कोर ले लिए, हमने इसमें वही वायर इसमें लगा दिया ऐसे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्लस दिया, यहाँ पे माइनस दिया, जब इसमें हम सप्लाई देंगे तो ये इधर से, ये जो है, अगर यन बना ये, तो यन इधर से आया, यस इधर से आया, ये दोनों आपस में मिले ना, क्योंकि मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसमें बनेगा मैग्नेट। लेकिन जैसे ही हम ये वायर को डिसकनेक्ट करेंगे, हटाएंगे, यानी यहाँ पे हमने एक स्विच लगा देते हैं, ये हमने स्विच लगा दिया है ऐसे, जैसे ही हम इस स्विच को हटाएंगे यानी छुड़ाएंगे ये वाले को, तो पहले इसमें प्लस था, यहाँ पे माइनस था, जैसे ही हटाएंगे ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, यानी इसमें जो चार्ज है ना, इसके अंदर जब हम वोल्टेज दिए तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनी, और जैसे ही हमें हटाएंगे ये मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म होगी, ख़त्म मतलब समाप्त होगी, जब समाप्त होगी तो वही चार्ज वापस फिर इसमें करंट के रूप में आएगी, जो कि उसके विपरीत दिशा में होगी बिल्कुल, जैसे हमने प्लस दिया था तो वापस आते समय ये
निगेटिव के रूप में आएगी, ठीक है, निगेटिव के रूप में, और इधर प्लस के रूप में, ठीक है। इसका और भी एक एग्जाम्पल आगे आए आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ तो यहाँ पे होगा, साथ में अगर हमने यहाँ पे एक और वायर ऐसे ले लिया है, इसी में ऐसे लगा दिया, तो जैसे ही हम इसमें लगाएंगे, करंट को ऑन करेंगे, उसी टाइम एक यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस वोल्टेज बनेगा कुछ क्षण के लिए। जैसे हम ऑन करेंगे, मैग्नेट जितने टाइम में बनेगा उतने टाइम के लिए ही ये वोल्टेज बनेगा। जैसे इसे हम हटाएंगे, फिर वापस इसमें ये रिवर्स में वोल्टेज यहाँ पे बनेगा, यानी कोलैप्स यहाँ भी होगा, ख़त्म होगा। तो करते क्या है कि अगर हम बार बार इसको प्लस, अब कभी माइनस, कभी प्लस, कभी माइनस सप्लाई आपस में चेंज करेंगे ऐसे, तो इसमें वही चीज़ बदलाव होता होगा इसमें भी। तो हमारे पास ये बदलने के लिए एसी है, तो एसी को जब हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या करती है, कभी प्लस कभी माइनस इस तरह से करती है। तो कभी ये चुंबकीय ध्रुव इस तरफ फ्लो करता है, कभी वापस रिटर्न की तरफ फ्लो करता है, ऐसे 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 इसमें सर्कुलेट करता है, उसी अनुसार इसमें भी वोल्टेज बनने लगते हैं। यानी चुंबकी एक सीधा सा है, एक क्वायल आप ले लीजिए ऐसे ऐसे, और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ठीक है, एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। अगर हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया, और यहाँ पे हमने एक चुंबक ले लिया इस तरह से, यहाँ पे एस है और यहाँ पे एन है, और यहाँ पे कुछ ऐसा कर देते हैं कि ये है जो है ये बहुत तेज़ी से रोटेट हो इस तरह से, ये नाचने लगे। तो जैसे ही ये नाचेगा तो ये चुंबकीय फ्लक्स के यहाँ पे बदलाव होंगे, और जब बदलाव होंगे तो इसमें एक करंट उत्पन्न होने लगेगा, एक वोल्टेज बनेगा इसमें, कभी इधर से बनेगा कभी इधर से बनेगा, ये रिवर्स फॉरवर्ड इसमें वोल्टेज बनेंगे। तो जितना स्पीड से ये चलेगा उतने स्पीड से इसमें वोल्टेज बनेंगे, वो भी बनेंगे एसी, ठीक है, एसी बनेंगे, क्योंकि यह बार बार बदलाव होगा एस एन एस एन एस एन एस एन, उसी अनुसार ये चलेगा। अगर 50 हर्टेज पे ही आपने इसको टर्न कराया तो यहाँ पे 50 हर्टेज की वोल्टेज एसी बनना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने समझ गए, इसको प्रैक्टिकल जब भी करेंगे तो उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए कि जब हमने यहाँ पे एसी दिया, एसी हमने यहाँ पे दे दिया, अब 12 वोल्ट मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एसी दिया, क्योंकि हम 12 वोल्ट ही एसी का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो अपने हाथ को भी नुकसान होगा, क्योंकि शॉर्ट भी हो सकता है। बाकी कोशिश करेंगे कि और वोल्टेज बढ़ा करके देख लें। तो 12 वोल्ट एसी हमने यहाँ पे दिया, अगर इसका चक्कर और इसका चक्कर दोनों का चक्कर बराबर है, ये जो टर्न्स है ना, इसे टर्न्स के खेल होता है ये ट्रांसफार्मर का, क्योंकि बहुत पहले यानी 1995-96 में इनमें ट्रांसफार्मर बाइंडिंग करके ये सब छोड़ दिया हूँ। तो इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले से होता है, अगर जो ज़रूरत पड़ेगी तो आप बोलिएगा तो उसको हम एक वीडियो बना लेंगे, क्योंकि स्टेबलाइजर देखिए दूर दराज के इलाकों में आप हैं तो स्टेबलाइजर भी जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप बस ये देखिए कि ये इसमें हमने 12 वोल्ट एसी दिया, सेम चक्कर ये भी है, ये भी है, तो यहाँ भी हमें 12 वोल्ट एसी वापस मिलेगा इस जगह पे। और अगर इधर से एसी 12 वोल्ट देते हैं तो हमें फिर यहाँ पे मिलेगा 12 वोल्ट एसी। लेकिन अगर हमने यहाँ पे सेम चक्कर और बना लिया, यहाँ पे सेम चक्र और बना लिया, जितना चक्कर यहाँ है उतना ही चक्कर यहाँ पे है, तो हम देंगे यहाँ पे 12 वोल्ट, 12 वोल्ट यहाँ बनेगा, 12 वोल्ट यहाँ भी बनेगा, ठीक है, दोनों 12 वोल्ट बने। अगर हम इसको और इसको जोड़ देते हैं, यहाँ से चेक करेंगे तो 12 वोल्ट यहाँ पे जीरो और इस जगह पे आ जाएंगे तो हमें मिलेगा 24 वोल्ट, क्योंकि 12 वोल्ट ये प्लस 12 वोल्ट ये बराबर 24 वोल्ट। यहाँ पे अगर यहाँ से चेक करेंगे तो 12 वोल्ट इधर भी मिलेगा और 12 वोल्ट इधर भी मिलेगा इस जगह पे। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर जो हमारे इस्तेमाल के आते हैं, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें देखे होंगे कि किसी में 3 तार रहता है, किसी में 2 ही तार रहता है, यानी सेकेंडरी की तरफ, जैसे ये है हुआ, तो
तो ये हो गया हमारा प्राइमरी, इसमें 230 सप्लाई हम देते हैं और इस तरह से बना होता है। तो ये कैसे निकल के आता है इस तरह से, ये हो गया। तो हम बोलते हैं कि 12 0 12, तो वही चीज़ तो यहाँ भी है, देखिए यही चीज़ है ना यहाँ पे। तो 12 ये हो गया 12 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे फिर 12, लेकिन यहाँ से जब यहाँ पे चेक करेंगे तो हमें 24 वोल्ट मिलेंगे। वही चीज़ यहाँ भी है, अगर यहाँ पे और यहाँ पे जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये 24 वोल्ट यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से यहाँ 12 वोल्ट मिलेगा, यहाँ से यहाँ 12 वोल्ट मिलेगा। ये ट्रांसफार्मर में अभी हम लोग हैं, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ लीजिए बेझिझक, क्योंकि आपका पूछना काम है, बताना हमारा काम है। क्योंकि ये जानना जरूरी इसलिए है कि आगे चल करके यहीं पे एक सर्किट है, ठीक है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे एक सर्किट है, इस सर्किट का SMPS ये जो है ना अलग है। अलग होने का कहने का मतलब ये है कि 12 वोल्ट से इस रिले को ऑपरेट कराया गया है, 12 वोल्ट से इस रिले को ऑपरेट कराया गया है, 5 वोल्ट से MCU को ऑपरेट कराया गया है, लेकिन इसमें BLDC मोटर है 230 वोल्ट की, तो इसको ड्राइव देने के लिए 15 वोल्ट की सप्लाई ज़रूरत पड़ती है। अब 15 वोल्ट इसमें से इसी ट्रांसफार्मर से बनाया गया है, तो यहाँ यही चीज़ है यहाँ पे। तो आपका ये चीज़ के साथ में ये भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी इसका मैंने जिक्र नहीं किया तो इसके लिए आप नहीं समझेंगे, बोलेंगे कि नहीं, लेकिन है यही चीज़। ये चीज़ इसमें है और ये चीज़ इसमें है, अंतर क्या है इसमें और इसमें अंतर क्या है। ये हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, हाई फ्रिक्वेंसी बोले तो 30,000 K से 30K से ये 100,000 यानी 100K तक ये फ्रिक्वेंसी वही फ्रिक्वेंसी, ये वाली जो 50 Hz थी ना वही वाली, ये 30K। अब देखिए 30K और 100K के बीच में यानी इतना पे ये काम करती है, इसलिए छोटा हो गया। जितना हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करेगी उतना ये छोटा होता जाएगा, और जितनी कम फ्रिक्वेंसी होती है उतना बड़ा होता है, इसीलिए हमारा ये ट्रांसफार्मर बड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसमें फायराइट की रड होती है, इसमें लोखंड की इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पे हाथ से जो घुमा रहे थे ना, हाथ से ऐसे यहाँ पे बोला ना कि 50 टाइम, यानी अगर अब हम 1 सेकेंड में 50 बार ऐसे प्लस माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, यानी प्लस इसमें माइनस देंगे, इसमें प्लस दिया तो इसमें माइनस, यानी इतना बदलाव कर लेंगे तो हम 50 Hz वापस यहाँ पे बना लिए। लेकिन वो चीज़ नहीं बनेगा जो साइन वेव बोलते हैं ना, ये वाला चीज़ नहीं बनेगा। यानी हम कोशिश करेंगे बनाने के लिए तो हमें ये वाला चीज़ नहीं बनेगा, ये वाला चीज़ नहीं बनेगा। बनेगा कौन सा हमारा, हमारा ये बनेगा। जब हम हाथ से बनाएंगे तो ये बनेगा, ठक करके ऊपर जाएगा, ये वाला बनेगा स्क्वायर वेव में, ये बनना शुरू हो जाएगा। तो ये भी AC का जैसा ही व्यवहार करेगा, लेकिन इसमें कुछ त्रुटि रहती है, इसको भी बनाना रहेगा, तो ये भी बन जाएगा ऐसे, ये भी ऐसे बनेगा। और बना के दिखाऊंगा भी मैं, क्योंकि ये बेसिक अच्छे से आपने समझ लिया तो मैं जानता हूँ कि ज़्यादा जटिलता आपको नहीं आने वाली है समझने में। यहीं से सारा खेल शुरू होता है, बाकी आगे है क्या चीज़, वही कैपेसिटर, वही रेजिस्टेंस, वही IC के अंदर प्रोग्राम करना होता है, तो प्रोग्राम कंपनी करके देती है, हमें पकड़ना होता है कि कैसे काम कर रही है बस। तो पहले ये समझेंगे, फिर आगे वाले हिस्से में हम पार्ट पे आएंगे तो पार्ट वाइज समझते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इसे हम समझे अभी। एक चीज़ यहाँ पे और समझ लेते हैं कि जो कि और अपने को इस्तेमाल होगा, जो लोग माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, यानी PCB बनाते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी, ये भी जानना ज़रूरी है, और बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, छोटा सा है, इसे भी समझ लेते हैं। यही ट्रांसफार्मर हमने ऐसे लगाया तो इस तरह से काम किया। अब उसी को हम फिर एक बार ड्राइंग करते हैं और यहाँ पे उसी चीज़ को फिर समझ लेते हैं। जैसे हमने ये कोर लिया, ये हुआ, ये हो गया हमारा 230 हम इसमें देंगे। अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा 12 वोल्ट का है तो हम 12 वोल्ट यहाँ पे हमको मिलेगा। ये है
एक और निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम कह देते हैं कि हमारा 5 वोल्ट निकलेगा यहाँ पे, और एक और निकाल लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम कह देते हैं हमें यहाँ पे 6 वोल्ट मिलेगा। ऐसे ही कुछ मैंने खींच दिया। 230 जब हम एसी इसमें देंगे तो यहाँ पे 5 वोल्ट बनेगा इस जगह पे, और इस जगह पे 12 वोल्ट बना और इस जगह पे 6 वोल्ट बना। ध्यान रहे इसमें से कंटिन्यूटी इसमें नहीं आएगी। अगर हम मीटर का प्रोब लगाएंगे तो एक प्रोब यहाँ पे रखा और एक प्रोब यहाँ पे रखेंगे तो कोई कंटिन्यूटी नहीं होगी, क्योंकि ये वायर गया और ऐसे निकल के आ गया, तो इससे तो कोई संबंध है नहीं, तो इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग, ये अलग, तो ये अभी टुकड़ों टुकड़ों में वोल्टेज बनेंगे। 230 तो जा रहा है ट्रांसफार्मर में, लेकिन ये वोल्टेज यहाँ पे अलग है, ये वोल्टेज यहाँ पे अलग है, ये वाला यहाँ पे अलग है। अगर 12 और 5 को जोड़ देते हैं तो हमें 12, 5, 17 वोल्टेज मिलेंगे। कब? जब सही से जोड़े रहेंगे तब। कहने का मतलब ये है कि अगर इस वायर को अगर हम इसके साथ में जोड़ देते हैं तो इस जगह से और इस जगह के बीच में हमें 17 वोल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर यही वायर को हम बदल देते हैं, इस वायर को ला करके इसके साथ में जोड़ देंगे और ये वायर पे यानी यहाँ से और यहाँ पे जब भी हम वोल्टेज चेक करेंगे तो जो सबसे बड़ा वोल्टेज है उसमें से छोटा वाला वोल्टेज घटा देगा, यानी 12 में से 5 गया, बच गया 7 वोल्ट। तो ये 7 वोल्ट का यहाँ पे 7 वोल्ट ही मिलेंगे इस जगह पे और इस जगह पे। अब 17 वोल्ट नहीं मिलेंगे, 7 वोल्ट मिलेंगे। तो हो गया, यहाँ पे तो 12 वोल्ट मिल रहे हैं, यहाँ पे 5 भी मिलेंगे इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे चेक करेंगे तो 12 यानी यहाँ पे 5 मिलेंगे, यहाँ पे 12 मिलेंगे, लेकिन यहाँ से और यहाँ पे जब भी चेक करेंगे तो 7 वोल्ट मिलेंगे। ये अगले वाले टेम्प प्रैक्टिकल में समझ लीजिएगा। रीज़न क्या होगा कि जितना वोल्टेज बनना है तो यहाँ पे तो बना, ये चक्र ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 होकर के आएगा तब तो वोल्टेज प्लस में रहेगा, लेकिन ये ऐसे गया और जितना प्लस गया उतना ये माइनस में फिर आ गया, तो उतना लेस करने के बाद जो बची हुई बाइंडिंग है उससे वोल्टेज बनेगा तो 7 वोल्ट बनेगा। अगर वोल्टेज माइनस की तरफ बन गया तो ये विशेष ध्यान देना होता है 12 वोल्ट और 5 वोल्ट की अलग अलग सप्लाई होती है, दोनों का निगेटिव अगर एक रहा तो कोई परेशानी नहीं है, अगर इसका प्लस इसका निगेटिव दोनों मिला करके कॉमन बनते हैं तो यहाँ पे सोचने की बात होगी। हम दिखाएंगे उसको आपको पीसीबी में, तब समझ में आएगा, जब प्रैक्टिकल के तौर पर चलेंगे पीसीबी पे कब वर्क करेंगे तब। अभी मेरे समझ से इसमें तो कुछ छूटा नहीं होगा, अगर कुछ रहेगा तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट करना आपका काम है, बताना मेरा काम है। जैसे ही ये ख़त्म होगा फिर हम स्पीड से इस पे चलना शुरू करेंगे, तो फिर आपको आसान हो जाएगा, फिर हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रांसफार्मर को थोड़ा सा बस मॉडिफाई करूँगा कुछ और बन जाएगा, तो जो यहाँ पर है वही चीज़ उधर भी होने वाला है, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।